आमतौर पर पुलिस को जब लवारिस लाश मिलती है तो वो उसकी शिनाख्त होने तक अंतिम संस्कार करने से बचती है, लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसी एक लाश को 3 दिनों में ही दफन कर दिया, जबकि ये मामला बेहद संगीन था। मामले ने तूल पकड़ा तो खुली किडनैपिंग, फिरौती और मर्डर की गुत्थी। उसे अगवा किया गया, फिर हुआ मर्डर। मामला 50 लाख का, लेकिन कोई फिरौती नहीं। फिर क्यों हुआ मर्डर? झाड़ में झांकते इन लोगों और पुलिस स्टेशन के बाहर जमा इस भीड़ के मन में है एक गुत्थी। ये भीड़ जानना चाहती है कहां है ठेकेदार लल्लन सिंह, और ये लोग जानना चाहते हैं किसकी है ये लाश। लल्लन सिंह 19 दिसंबर से लापता है, घर वाले ढूंढ ढूंढ कर परेशान। 2 दिन बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला घर वालों के काफी गुहार लगाने के बाद दर्ज किया। फिर तफ्तीश हुई तो पता लगा लल्लन मनोर के पास कहीं है। डिटेक्शन का एक पुलिस ने, कांस्टेबल ने मनोर पुलिस को पूछा जो भाई कोई एक गाड़ी बेवारिश है, तो उसने बोला बेवारिश गाड़ी नहीं है, एक हैंडसम बॉडी जवार में है। लाश मुंबई से करीब 120 किलोमीटर दूर जवार में मिली। लाश के पास नायलॉन की रस्सी पड़ी थी, खून से सना पत्थर भी। साफ था पहले उसका गला दबाया गया, बाद में सिर पर वार कर लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया। शव कई लोगों को दिखाया गया लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। 3 दिन के बाद उन्होंने प्रिजर्व करके रखा। 24 तारीख को उन्होंने हमको ओरली बताया कि वो सब डीकम्पोज हो गए हैं और डेड बॉडी का वो पब्लिक प्लेस है और ये हॉस्पिटल है, तो तुरंत हमको इसका हम डिस्पोजल कर रहे हैं, इसलिए हमने सब जितने भी संबंधित जो एजेंसी है उनको सबको लेटर दिया। उसका हिंदू शव था इसलिए उसको हमने उसको गाड़ दिए। एक शव का मिलना, एक लापता शख्स का नहीं मिलना, गुत्थी बरकरार थी। घर वालों के मन में एक डर बैठा, जिस शख्स की लाश मिली है कहीं वो लल्लन तो नहीं। पुलिस पर दबाव बनाया तो पता लगा लाश को जला दिया गया है, लेकिन जब दबाव और बढ़ा तो पता लगा लाश जलाई नहीं बल्कि दफनाई गई है। जवार पुलिस का क्या इन्वॉल्वेशन है कि 19 तारीख का डेड बॉडी 20 को मिलता है और 21 को उसको दफनाया या जला दिया जाता है? अगर पहला स्टेटमेंट में अगर वहां के PI साहब ने दिया कि जला दिया गया, तो फिर कैसे अभी ये चेंज स्टेटमेंट चेंज होगा कि उनका बॉडी है? फिर क्या था, कब्र खोद कर लाश निकाली गई। तब घर वालों का डर मातम में तब्दील हो गया। लेकिन अब मामला मर्डर का बन चुका था। नाला सुपारा पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी तो पता लगा ललन का मर्डर उसके दो दोस्तों गणेश कटके और सचिन पाटिल ने करवाया है। वजह 50 लाख रुपए। जमीन का जो व्यवहार था उनके ऊपर कुछ तो झगड़ा हुआ उनका, इसके ऊपर उन्होंने डहानू जवा रोड पे ललन सिंह को लेकर उसको उसका गला दबा के उसका मर्डर किया। दरअसल लल्लन ने 50 लाख की प्रॉपर्टी गणेश और सचिन के कहने पर खरीदी। दोनों ने लल्लन से पैसे ले लिए लेकिन सौदा आगे नहीं बढ़ रहा था। परेशान लल्लन ने रुपए वापस मांगना शुरू कर दिया। पैसे का क्या हुआ? हां जी, एक दो दिन में पैसा दे रहे हैं या पुलिस कंप्लेंट करूं मैं जाके? अजी जाकर गणेश और सचिन ने मिलकर लल्लन को ही खत्म करने का प्लान बना डाला। प्लान के मुताबिक दोनों जमीन दिखाने लल्लन को अपने साथ ले गए। तुम लल्लन भाई यार इतना चिल्ला के फोन पे बात करते, चौकी विकी का बात करते, ऐसा थोड़ी चलता है धंधे में। बराबर है ना, धंधे का रूल रहता है, कुछ दोस्त है थोड़ी चलता है उसके अंदर। और मौका मिलते ही रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और फिर लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। बहरहाल ललन के मर्डर की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन जवाहर पुलिस ने जल्दबाजी में उसकी लाश को क्यों दफना दिया, इस बात की गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है। नाला सुपारा से राजा मयाल के साथ मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया।
अब देखिए एक हीरोइन की सुपारी। मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा है एक ऐसा तांत्रिक जो अपनी तंत्र विद्या से भोजपुरी फिल्मों की एक हीरोइन को मारने की धमकी दे रहा था। हीरोइन की शिकायत के बाद पुलिस को शक है कि ये चाल एक भोजपुरी हीरो की है। आप समझ ही गए होंगे, धमकी भरा ये SMS एक तांत्रिक ने भेजा है। धमकी मिली है भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन रानी चटर्जी को। रानी चटर्जी ने ससुरा बड़ा पैसे वाला जैसी कई भोजपुरी फिल्मों में